नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से, जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं, ये दो चीज यदि आपके पास है, सफलता चरण चूमेगी। आप जिस भी काम से घर से निकल रहे हैं वो काम आपका होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। काम तो होना ही होना है, आपके अंदर की मोहिनी शक्ति जागती है। आपने देखा होगा ना रामायण में, रामायण सीरियल के अंदर रामचंद्र जी ने जब वाण चलाया तो जो रामचंद्र जी के जो दुश्मन थे, जो शत्रु सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो सामने जो शत्रु सेना थी उसको राम, उसको हर व्यक्ति में राम ही राम दिखाई देने लग गए। शत्रुओं को मारना ही उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें अपने आप रामचंद्र जी के प्रति इतना प्रेम हुआ कि उन्हें हर जगह राम ही राम दिखने लग गए। जब कोई व्यक्ति किसी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है तो आप देखना उसके पूरी पर्सनालिटी के अंदर उस व्यक्ति की आपको छवि दिखाई देगी, उसका बोलना चालना सब कुछ उसके, क्योंकि वो व्यक्ति उसके दिमाग में घुस जाता है। तो ये जो उपाय है, जब आप इस उपाय को करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, वो वही करने लगेगा जो आप चाहते हैं। यदि आप किसी सभा में जाते हैं, 5-7 लोगों की भीड़ है और चाहते हैं कि यहां मेरा वर्चस्व जम जाए, लोग मुझे ही फॉलो करें, जो मैं कहता हूं उसी को माने, तो भी आप इस उपाय को करें। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, बॉस आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आप इस उपाय को करके जाएं, बॉस भी आप पर फिदा हो जाएंगे। बॉस का जो मन है वो आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। जो व्यक्ति आपका विरोधी है वो आपका विरोधी नहीं रहेगा, आपकी बात मानेगा। मतलब कि आप जिस भी काम से घर से निकले हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी, वो भी ज्वलंत सफलता, जबरदस्त सफलता। मोर पंख दोस्तों ऐसी चीज है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने भी यूज किया था। कृष्ण भगवान जैसे ज्ञानी, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि सृष्टि के कण कण में कहां किस चीज में कौन सी शक्ति है, उन्हें पता था कहां किस चीज का कैसे यूज करना है, कहां किससे कैसे बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत अच्छे से उन्हें ज्ञान था। इसीलिए वो हमेशा अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। मोर पंख में जबरदस्त मोहिनी है दोस्तों। मोर पंख यदि आपके सिर पर टच हुआ है तो लोग आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मोर पंख का टुकड़ा लेना है और जो पत्ता गोभी होती है उसका एक पत्ता लेना है। इन दो चीजों को आपको अपने सिर पर टच करवा देना है। अब आपको कैसे टच करवाना है ये आप जाने। जो लोग टोपी पहनते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि टोपी के अंदर दोनों चीज को रख सकते हैं और किसी से भी मिलने के लिए जा सकते हैं। जो लोग टोपी नहीं पहन रहे हैं उन्हें थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा कि हमें इसका कैसे यूज करना है। किसी पिन के अंदर डाल करके आप उसको कहीं सिर में टच करवा दें या किसी और तरीके से आप उसको अपने सिर में टच करवा करके रखें। जितनी भी देर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके अंडर में रहे, ठीक है। वैसे दोस्तों इस उपाय को जब भी मैंने पर्सनली जिसको भी सजेस्ट किया तो जिन लोगों ने टोपी पर नहीं रखा था, जेब में ये दोनों चीजें रख करके गए, उनके भी काम हुए हैं। तो आप भी ट्राई कर लें, हो सकता है जेब में रखने से भी काम हो जाए। होना कैसे भी चाहिए लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। बहुत जल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। कदम कदम पर दोस्तों सफलता चरण चूमती है। आप ही के वाह वाह, लोग आप ही की हाँ में हाँ मिलाएंगे, लोग आप ही का कहना मानेंगे जो आप चाहते हैं। करके देखें। जय श्री कृष्णा।